हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। हम इस सेशन में AWS CLI कमांड लाइन समझेंगे एंड कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं एंड EC2 क्रिएट करने के बाद विथआउट रोल हम EC2 को कैसे एक्सेस देंगे दूसरे वो अमेजोन कंपोनेंट के बारे में वो देखेंगे। सो चालू करते हैं। मैंने S3 रिसोर्स क्रिएट किए हुए, यहाँ पे S3 बकेट किए क्रिएट किए हुए, यहाँ पे दो बकेट क्रिएटेड है आप देख रहे हो यहाँ पे। दूसरा मैंने एक यूज़र क्रिएट किया हुआ है S3 एडमिन नाम का, और जिसको S3 फुल एक्सेस नाम के राइट्स दिए हुए हैं, और ये जब यूज़र हम क्रिएट करते हैं तब अपने को एक्सेस की एंड सीक्रेट की डिटेल्स देता है। तो ये मतलब वो फ्रेश पेज है, मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो चला जाएगा, और आप वो सेव कर सकते हो अपने फ्यूचर यूज़ के लिए download.csqvi के साथ। तो चालू करते हैं, हम एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ। सो मैं यहाँ पे IAM रोल नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, एंड सिक्योरिटी ग्रुप हम असाइन करेंगे जो हमने एग्जिस्टिंग क्रिएट किया हुआ है पोर्ट 80 एंड पोर्ट 22 के लिए, एंड वी जस्ट हैव टू सिलेक्ट एंड लॉन्चिंग द इंस्टेंस हियर विद डिफॉल्ट की। ओके, सो लेट्स वेट फॉर इंस्टेंस गेट अप। ओके, ये उसका पब्लिक IP है, तो पब्लिक IP ले लेते हैं बैकएंड एक्सेस के लिए। ओके, सो इंस्टेंस अभी रनिंग है तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी कनेक्टेड, रूट एक्सेस ले लेते हैं सूडो SU के साथ। ओके, अभी हमने कनेक्ट कर दिया है, और अभी एक काम करते हैं, हमारे देखते हैं इसमें ऑलरेडी predefined AWS CLI इंस्टॉल है कि नहीं। तो AWS CLI कमांड इंस्टॉल लाइन है, तो अभी हम S3 को एक्सेस करते हैं। S3 LS कमांड से आप S3 के बकेट का लिस्ट डाउन यहाँ पे क्रिएट देख सकते हो। ये एरर दे रहा है क्योंकि EC2 के पास वो एक्सेस नहीं है S3 का, तो क्या बोला है कि AWS कॉन्फ़िगर से आप क्रेडेंशियल सेट करो, उसके बाद आप एक्सेस कर सकते हो। तो हम अभी कॉन्फ़िगर करते हैं AWS कॉन्फ़िगर। ओके, तो ये अपने को पूछेगा एक्सेस की, सीक्रेट की एंड डिफॉल्ट रीजन। सो अपना US-2 है। ओके, और प्रूफ फॉर्मेट नहीं दोगे तो भी चलेगा। ओके, सो अभी फिर से वही कमांड ट्राई करते हैं। हमने क्रेडेंशियल दे दिया है और ये यूज़र को S3 का फुल एक्सेस है, तो S3 की डिटेल यहाँ पे आ गई। तो ये S3 के बकेट नेम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो ये क्रेडेंशियल हमने जो स्टोर किए वो कहाँ पर स्टोर होते हैं वो देख सकते हो आप। कैट यूज़र की होम डायरेक्टरी में रहता है और हिडन फोल्डर होता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडेंशियल फोल्डर में रहेंगे। क्रेडेंशियल फोल्डर में आपको सारी डिटेल्स मिलेगी यहाँ पे, एंड रीजन की डिटेल कॉन्फ़िग फोल्डर में मिलेगी। सो दोस्तों, ये था कि EC2 को एक्सेस कैसे करते हैं विथआउट IAM रोल, एंड यूज़र के थ्रू एक्सेस कैसे देते हैं, पॉलिसी का कॉन्फ़िगरेशन था और CLI के साथ था। अगले सेशन में हम देखेंगे कि विथआउट यूज़र हम सेम चीज़ कैसे कर सकते हैं जिससे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि अभी ये EC2 में हमारे एक्सेस के एंड सीक्रेट की स्टोर किए हुए है, तो अगर किसी को एक्सेस मिले तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है अपनी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विथ IAM रोल हम कैसे काम करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर AWS टेक्निकल वीडियोज़। थैंक यू।